मेरा नाम अजीमुल्ला खान है, आई एम द CIO एट मनलिंक। एक जो आज टॉपिक जिस पे मैं बात कर रहा हूँ उसका, वो हमारी एक कोर वैल्यू है जिसको हम अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि हम एक तो सबसे पहले जैसे एक बात हुई है कि हम ट्रांसपेरेंसी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि हर चीज़ हर एक को पता हो कि हम किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, क्या हमारे इश्यूज़ हैं और किस किन किन चैलेंजेस से या किस किस टाइमलाइन के थ्रू हम अपने कामों को परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह से हम अपनी तमाम चीज़ें सबको इन्फॉर्म करते हैं ऑन अ टाइमली मैनर, तो विच मेक्स अस मोर अकाउंटेबल नॉट ओनली। ऑन द अदर साइड हम ये काम भी करते हैं कि हम हर दफ़ा अपने डेटा से एक कंप्लीट पिक्चर हर बैंक को भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि किस तरीके से वो बैंक ऑपरेट कर रहा है। हमारी एक कंप्लीट व्यू जो है वो ना सिर्फ ये कि हमारे बोर्ड तक जाता है, बल्कि हम जिस हद तक इंडस्ट्री को हर मेंबर को उसके अपने सिस्टम्स के बारे में भी बता रहे होते हैं कि किस किस डेटा पे वो किस तरीके से हमारे साथ ऑपरेट कर रहे हैं। उसके अलावा हमारी अपनी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है, इसलिए कि सिंस वी हैव अ यूनिक पोजीशन इन द इंडस्ट्री, हम अपने लिए खुद सबसे बड़ा चैलेंज है कि वट एवर वी डू वी वॉन्टेड टू इम्प्रूव आवर सेल्फ एवरी डे एवरी आवर एवरी मिनट एंड एवरी मंथ। तो हमारी हम अपने ही सबसे बड़े वो क्या कहते हैं नाखेद हैं और हम अपने आप को ही हर वक्त देख के इम्प्रोवाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वी बिलीव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी वेयर वी फर्स्ट व्यू आर सेल्फ एज कि जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो किसी और को हर्ट ना करें और किस तरीके से हम बाकी लोगों की ज़िंदगी में भी इम्प्रूवमेंट लाएं कि ओवरऑल जो इंडस्ट्री है वो अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। आई विश अ वेरी सक्सेसफुल एंड हैप्पी नेक्स्ट 80 ईयर्स टू वनलिंक सिंस वी हैव ऑलरेडी क्रॉस 20 ईयर्स टाइम एंड इट्स अ वंडरफुल जर्नी एज फार एज वनलिंक इज कंसर्न्ड एंड आई बिलीव अ मोर वंडरफुल एंड एक्साइटिंग जर्नी अहेड फॉर अस। थैंक यू वेरी मच।